अगर पिछले 7 वर्षों में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की हिस्ट्री शीट निकाल कर देखेंगे तो अंदाजा होगा कि कांग्रेस को चाहे नुकसान हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को फायदा ही हुआ है। अब कांग्रेस के अंदर बगावत की इस चिंगारी को अमरिंदर सिंह के एपिसोड ने हवा दे दी। पंजाब में हुई फसीहत से लेकर दिल्ली में कांग्रेस लीडरशिप पर सवालिया निशान तक। इन आवर पार्टी एट द मोमेंट देयर इज नो प्रेसिडेंट, सो वी डोंट नो हु इज टेकिंग दीज डिसीजंस, वी नो एंड येट वी डोंट नो। कांग्रेस पार्टी के गृह कलेश का अगर सार निकालें तो इस वक्त कांग्रेस में चलाचली की बेला चली हुई है। किसी को कांग्रेस आलाकमान चलता कर रहा है तो कोई मौका मिलते ही खुद ही चलता बन रहा है, और जो नहीं जा रहा वो कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस को आईना दिखा रहा है। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। कांग्रेस हाईकमान के आलोचक धृतराष्ट्र वाले उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि आईना दिखाने वालों का सामना आईना तोड़ने वालों से हो जाता है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस आलाकमान का सत्य से सामना करवाया तो उनके घर पर टमाटर फेंके गए, कार तोड़ दी गई, और फिर कांग्रेस हाईकमान के बचाव में बड़े बड़े नेता मैदान में कूद पड़े। सिब्बल साहब को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष है? श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष है पार्टी की, और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। वही सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार मंत्री बनाया, बगैर कांग्रेस के लगातार बैकग्राउंड होने के सीधे सीधे मंत्री बना दिया। मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल जी भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर है कि कांग्रेस की लीडरशिप सोनिया गांधी जी के पास है। जितने निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट कर रही हैं, लगातार अपॉइंटमेंट से लेके बाकी प्रक्रियाएं सारी हो रही हैं सोनिया जी के दस्तखत से, उनके निर्देश पे हो रही हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि कपिल सिब्बल जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति और अनुभवी व्यक्ति और कांग्रेस में सीनियर स्थान रखने वाले व्यक्ति को यही नहीं पता कि कांग्रेस के लीडर विद्यमान है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन अब वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं रही। जब सिब्बल ने कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए तो उनके समर्थन में भी आवाजें उठी। Issues should not be confused with having confidence or not having confidence in the leadership of a particular individual. The far more important thing is to have faith in the core ideology of the Congress Party, in the philosophy of the Congress Party, and whosoever leads that party, if they are able to do justice to those core values, I do not think anybody really has a problem with that. कांग्रेस इस वक्त दो खेमों में बट चुकी है। एक तरफ गांधी परिवार के वफादार हैं और दूसरी तरफ वो नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं। कांग्रेस पार्टी के इस गृह युद्ध में शह और मात का खेल चल रहा है, और जो हारता जा रहा है वो बाहर होता जा रहा है। असूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी होता है, जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी होता है। सूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सिर्फ जाने का ही रास्ता खुला हो, आने के दरवाजे भी खुले हुए हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है, हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए, और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं
इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। राजनीतिक दलों में नेताओं के आने जाने का सिलसिला कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह बड़े बड़े नेताओं ने बगावत का बिगुल बजा दिया, वो कांग्रेस हाईकमान के लिए खतरे का अलार्म है। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।